तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आप लोग को रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बताया गया था। फर्स्ट था रिवर्सिबल था, जिसमें दोबारा अपने ओल्ड फॉर्म में प्रोडक्ट आ जा रहे थे, बट सेकेंड चीज में क्या था कि दोबारा अपने ओल्ड फॉर्म में प्रोडक्ट नहीं आ सकते। अब है आपका फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड एंड विच कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, इसमें कोई सब्सटेंस फॉर्म ना हो, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बल्ब क्या है, ऑफ है, हमने स्विच को ऑन किया तो बल्ब क्या ग्लो करने लगा, फिर वो बल्ब ऑफ हो सकता है। तो ये चेंज जो ऑकर हुआ तो ये फिजिकल चेंज कहलाएगा, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। फिजिकल चेंज कैन बी आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इट्स मोर लाइकली टू बी रिवर्सिबल। एग्जांपल गिवन, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड इन्फ्लेशन ऑफ अ हॉट एयर बैलून आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। ज्यादातर फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उसको पुराने स्टेज पे हम ला सकते हैं। एग्जाम्पल में दिए गए हैं कुछ रिवर्सिबल फिजिकल चेंज, दैट इज ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमने अभी भी बताया, मेल्टिंग ऑफ आइस, इन्फ्लेशन ऑफ हॉट एयर। कुछ इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज भी दिए गए, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग ऑफ एन ऑफ अ ग्लास, ग्लास टूट गया तो क्या तो ये आपका फिजिकल चेंज है। लेकिन हम इसको दोबारा रिवर्स इकट्ठा लाएंगे, एक पास लाएंगे तो वो दोबारा से जुड़ नहीं जाएंगे, वो अपना फॉर्म नहीं ले सकता है दोबारा से। तो ये फिजिकल चेंज है बट ये इरिवर्सिबल है। तो ज्यादातर जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, बहुत कम होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। द ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास आर द सेम एज द ग्लास दैट इज यूज्ड टू मेक द होल बॉटल। Therefore, the change is irreversible because the glass pieces do not form the glass bottle by removing the causes of the change. Some other examples of irreversible physical change are tearing of paper, bursting of balloon, grinding of weight, spillage of drinking water on the floor. ये सारे क्या हैं, आपके physical changes हैं, लेकिन ये irreversible होते हैं, मतलब इसको दोबारे से हम पुराने stage में, पुराने form में नहीं ला सकते हैं। Paper फाड़े या फिर कोई चीज टूटता है तो सारे के सारे किस में आते हैं, फिजिकल चेंज में आते हैं, लेकिन ये इरिवर्सिबल होता है। एक फिजिकल चेंज आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ को पिघल कर पानी बनना, फिर पानी से बर्फ बनना, तो ये क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, बर्फ से हमने पानी बनाया फिर पानी से हमने बर्फ बना दिया, तो रिवर्स हो रहा है। तो ये रिवर्सिबल भी है और फिजिकल भी है। तो फिजिकल में दोनों कंडीशन होते हैं, रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है। फिजिकल चेंज ज्यादातर क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, बहुत आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज सारे के सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, किसी भी केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, पुराने पोजीशन में उसे नहीं ला सकते हैं। चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, नया चीज बनता है और उसको हम दोबारा से इसके पुराने फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें दो वर्ड आने वाले हैं, दैट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। वो दो चीजें जो रिएक्ट कर रही हैं, मतलब एक दूसरे से मिल रही हैं या फिर एक दूसरे से क्या कर रही हैं, रिएक्शन कर रही हैं, मतलब कि एक्ट ले रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जब वो दोनों मिलके जो दूसरा सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो केमिकल चेंज में क्या होते हैं, एक तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं, दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड एक तरफ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, दैट इज ऑन राइट हैंड साइड। केमिकल इक्वेशन फॉर्म किया जाता है केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए, या फिर केमिकल चेंज को शो करने के लिए, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए केमिकल इक्वेशन फॉर्म किया जाता है। तो केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड में
सब्सटेंस लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं और फिर जो नया सब्सटेंस बन के आता है उसे हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, क्योंकि वो नया सब्सटेंस है और उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। कुछ एग्जांपल दिए, बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज व्हेन अ कैंडल बर्न्स, टू चेंजेस टेक प्लेस एट द सेम टाइम, द माइनर चेंज इज दैट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्स मेल्ट्स ड्यू टू द हीट ऑफ अ फ्लेम, द मेजर चेंज इज बर्निंग ऑफ वैक्स व्हिच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जब मोमबत्ती जलाते होंगे मोमबत्ती के मोम क्या होते हैं, बाद में नीचे आपको पिघले हुए दिख रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मोमबत्ती क्या होती है वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। तो ये क्या आपके नए चीजें बन रहे, पहले क्या था वैक्स था, वैक्स ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, वैक्स प्लस ऑक्सीजन ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्ट कर रहे हैं दूसरे से, और जब ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो ये कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो ये क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आपके प्रोडक्ट कहलाएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, नई चीजें बन रही है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, हमेशा एक नया चीज बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है, एक या दो या फिर दो से अधिक भी प्रोडक्ट नए बनते हैं। तो ये केमिकल चेंज का क्या है, इविडेंस है कि नया प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, एक केमिकल चेंज, इसमें भी क्या होता है, आयरन वाटर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, रस्ट फॉर्म करते हैं, जंग जिसे हम कहते हैं, आयरन के ऊपर एक पतला सा परत बनाने लगते हैं, जो क्या है, एक नया सब्सटेंस, एक प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट्स के बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो रस्ट क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स में कौन कौन से आएंगे, आयरन आएगा, मॉइस्चर आएगा एंड ऑक्सीजन आएगा, ये जब तीन रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, आपका रस्ट फॉर्म होता है, जो क्या है, प्रोडक्ट है। ऐसे कई सारे आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं केमिकल चेंजेस के, कुकिंग ऑफ फूड, फूड गेटिंग स्पॉइल्ड, गर्डलिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर, इन दीस चेंजेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस को चेंज परफॉर्म न्यू सब्सटेंस, में क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। एक चीज और है, ये है कि केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, उनको हम दोबारा उसके पुराने स्टेज में नहीं ला सकते। By now you have come across enough example to know how some changes can be brought about. Physical and chemical changes can be brought about by mixing of two or more substances, heating or cooling. तो यहाँ बता रहा है कि दो condition basis पे physical change और chemical change को हम occur करा सकते हैं। पहला है आपका mixing of two or more substances, दो या दो से अधिक चीज को अगर हम मिलाते हैं तो physical या chemical change occur होगा। Second है आपका heating या cooling, अगर गर्म करते हैं या फिर ठंड करते हैं तो क्या होता है, फिजिकल या केमिकल चेंज होता है। पहला आपका मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस, फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, इफ यू ऐड द सॉल्ट इन वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, यू आल्सो सॉ दैट वी कैन गेट बैक द सॉल्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड वाटर बाय कंडेंसेशन और द वाटर वेपर, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड, थस द चेंज इज रिवर्सिबल एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और सॉल्ट डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, हेंस dissolving the salt in water is a physical change. तो salt नमक को कहते हैं और water पानी, जब इन दो चीजों को हम मिलाते हैं तो salt to the atmosphere हो जाता है, वो नजर नहीं आता क्योंकि वो खाली जगहों को फुल कर देता है, जो molecular space होता है water की वहां पे क्या होता है, भर जाता है, तो salt इसलिए नजर नहीं आता, लेकिन ये क्या कहलाता है, physical change कहलाता है। फिजिकल चेंज इसलिए कहलाता है क्योंकि उसको हम फिजिकल प्रोसेस के जरिए क्या होता है, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन के जरिए उसको दोबारा से हम रिवर्स कर सकते हैं, कोई नया सब्सटेंस या फॉर्म नहीं होता है, सॉल्ट एंड वाटर ही रह जाता है रिवर्स करने के बाद भी, इसलिए क्या होता है, ये फिजिकल चेंज। इसमें हमने क्या किया, मिक्सिंग किया, दो सब्सटेंस को हमने मिलाया, एक सॉल्ट था और दूसरा वाटर था, तो क्या हमने बताया, मिक्सिंग करने से या फिर हीट या कूल करने से क्या होता है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज ऑकर होते हैं। ऐसे ही आपके केमिकल चेंज भी ऑकर होते हैं मिक्स करने से। एग्जांपल में देखिए दिया हुआ है बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस, जब बेकिंग सोडा और लेमन जूस को मिलाया जाता है तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड और भी दूसरे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो मिक्स करने से क्या हो रहे हैं, केमिकल चेंज भी हो रहे हैं और फिजिकल चेंज भी हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन दिया हुआ है, हमने अभी अभी आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए इक्वेशन फॉर्म किया जाता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे।
जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है। राइट हैंड साइड पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर प्रोडक्ट जो बनते हो इन दोनों के रिएक्शन पे, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। ओके, राइट हैंड साइड पे। तो ये आपके केमिकल इक्वेशन है जो दर्शाते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोरोजन इज अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, द डिटेरियोरेशन ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, कोरोजन टेक्स प्लेस ऑन आयरन एंड सिल्वर ऑब्जेक्ट्स। ड्यू टू द कोरोजन अ ब्लैक कोटिंग कैन बी सीन ऑन द सिल्वर ऑब्जेक्ट्स, इन द सेम वे अ ग्रीन कोटिंग कैन बी सीन ऑन कॉपर यूटेंसिल्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्चर। वही चीज दिया है, केमिकल रिएक्शन का है, केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल दिया है कि कोरोजन जो होता है, कोरोजन ऑफ मेटल्स होते हैं, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। उसमें भी क्या होता है, दो चीजें मिलती हैं तब रस्ट फॉर्म होता है। अब आयरन का ही है, तो उसमें भी दो चीजें मिलती हैं तब आपके रस्ट फॉर्म होते हैं, ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड आयरन। तो यहाँ पे तीन चीजें मिल रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि दो ही चीज मिले, दो या दो से अधिक चीज मिलती है तो चेंज ऑकर होता है, या तो फिजिकल चेंज ऑकर होगा या फिर केमिकल चेंज ऑकर होगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है आपका हीटिंग एंड कूलिंग। हीट या कूल करने पे क्या होता है, फिजिकल चेंज ऑकर होता है या फिर केमिकल चेंज ऑकर होता है। मोस्टली ज्यादातर हीट या कूल करने पे केमिकल चेंज ऑकर होता है। हीट करने पे सबसे ज्यादा क्या होता है, केमिकल चेंजेस ऑकर होते हैं। हीट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है केमिकल चेंजेस में, ज्यादातर, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, ज्यादातर केमिकल चेंजेस में हीट का इवोल्यूशन होता है या फिर हीट का एब्जॉर्बेशन होता है। ऑब्जर्वेशन होता है, हीट या तो ऑब्जर्व होता है, एब्जॉर्ब होता है, या फिर हीट बाहर निकलता है। तो कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि हीट और कूल करने के बेसिस पे होते हैं। फिजिकल रिएक्शन में एग्जांपल हमने बताया था वाटर का स्टेट फॉर्म बदलना। वाटर पहले लिक्विड फॉर्म में था, फिर वो सॉलिड फॉर्म में आया, फिर वो गैसियस फॉर्म है। तो ये इन फॉर्म में चेंज करने के लिए वाटर को हीट देना पड़ता है या फिर वाटर को कूल करना पड़ता है। तो हीटिंग एंड कूलिंग के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहे हैं। तो हीटिंग एंड कूलिंग के कारण फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, केमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। ओके, गुड नाइट।